आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी ब्रेकिंग। कम होते कोरोना के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके यह बताया कि दिन में लॉकडाउन खत्म रहेगा, परंतु शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा तथा निजी और सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ शाम के 5 बजे तक ही खुलेंगी। निजी दुकानें शाम के 5 बजे तक खुल सकेंगी। शैक्षणिक संस्थाएं अभी भी बंद रहेंगी, लेकिन पठन पाठन की क्रिया ऑनलाइन चलती रहेंगी। लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल अब कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सुविधा अगले 1 हफ्ता तक ही रहेगी, आगे के सिचुएशन के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में पिछले कुछ महीनों में कोरोना के संख्याएं बढ़ रही थी, पर अब संख्याओं में आई कमी के बाद यह फैसला लिया गया है। आने वाले 1 सप्ताह में संख्याएं घटती रही तो अनलॉक जारी रह सकता है, पर यदि बढ़ती रही तो लोगों के हित में सरकार फैसला लेगी। नीति आयोग के मुताबिक इस साल तक दिसंबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आ सकती है। भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए लोगों को भीड़ भाड़ में न जाने की आग्रह की है। आज की टीडी ब्रेकिंग में इतना ही, देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।